अस्सलामुअलैकुम, चैनल जायका दिल्ली छह में आज हमने आपके लिए बनाया है एक ये अलग सा पराठा। बहुत ही इजी पराठा है और एकदम क्रिस्प पराठा है। ये बहुत सारी तय वाला पराठा है और बहुत ही छोटी सी वीडियो है, जरूर देखें एंड तक। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। आधा किलो आटा लिया है हमने, एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। हल्के गुनगुने पानी के साथ हम आटा गूंदेंगे। नमक हल्का सा मिक्स कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेते हैं। हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे और इसको कवर करके छोड़ देते हैं हम कम से कम 12 मिनट के लिए। एक प्याज है जिसको बहुत छोटा छोटा कट कर लिया है हमने, यानी बहुत पतला पतला कट किया है। और इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून हमने लिया है चाट मसाला, इसको डाल देते हैं। और ये जीरा है, हाथों हाथ ही भुना है हमने इसको, ये भी डाल देते हैं हम, क्वार्टर टी स्पून के करीब डाल देते हैं। और ये वाला अच्छे से भर के रख लें आप। और इसको थोड़ा सा यूँ हाथ से दबा के प्याज का लच्छा खोलना है। और इसमें नमक है इसलिए इससे प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये स्टफिंग अब आराम से हो सकती है। इसमें एक ही उबला हुआ आलू है, ये खाली प्याज के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें आलू डाल लेते हैं। छोटे बच्चे खाएंगे उसके लिए बस ये आधा आलू है जो हमने कद्दूकस किया है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, थोड़ा ज्यादा डालते हैं हरा धनिया, और इसको मिक्स करते हैं। ये पराठा हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे बड़ा पेड़ा लेंगे। सिर्फ दो ही पराठे की स्टफिंग हमने तैयार की है तो इतना बड़ा पेड़ा लेते हैं, दो लोई तैयार करते हैं हम ये। एक थोड़ी बड़ी रोटी बेलेंगे हम, ये देखें। अब हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं, मेल्टेड बटर भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, पूरे पे लगाएंगे अच्छे से, इससे हमारा लच्छा बहुत ही अच्छा निकलेगा। हम इसे ब्रश से सब तरफ फैला देते हैं। अच्छे से घी लगाने के बाद इसके ऊपर आटा डस्ट करते हैं, इससे इसका लच्छा बहुत अच्छे से खुलेगा। ये स्टफिंग लगा लेते हैं, स्टफिंग थोड़ी ज्यादा जाएगी इसमें से, पूरे पे फैला लेते हैं हम ये, थोड़े से हल्के से हाथ से फैलाएं। जो आपने ये बेली है बहुत पतली रोटी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, इससे क्या होगा ये आपस में चिपकेगा नहीं। अब हम इसको रोल करेंगे, बहुत ही टाइटली रोल करना है आपको ये। इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लें, हल्का सा यूं कर देते हैं। और बस इसको क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, और इस तरह से इसको एकदम थोड़ा टाइट करके हम रोल कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अभी इसको साइड रखते हैं। जो आपका पराठा तैयार हो जाए उसको आप कवर करके रखें। हल्का सा आटा डस्ट करते हैं, बहुत ही हल्का सा। बहुत बारीक नहीं बनाएं आप इसको, हाथ से भी आसानी से बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसको बेलन से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे हम इसको, बस हम इसको इतना ही बड़ा बनाएंगे। हल्का हल्का सा ये फट भी जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। एक भारी तली का पैन ले लिया है हमने, उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और अब जो ये पराठा है इसको हम इसमें डाल देते हैं। अभी ऑयल नहीं डालें आप पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए इसको थोड़ा आराम आराम से सेकना होगा। 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं इसको, देखते हैं। आप ये प्लेट से भी कर सकते हैं ऐसा, इसको भी 2 से 2.5 मिनट पहले उस साइड से सेकने देते हैं, फिर लग इस पर घी डाल देते हैं। घी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, आप इस पर बटर भी डाल सकते हैं। क्रिस्प होने तक सेकना है आपको ये।
इस पराठे को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको कम से कम 5 मिनट लगी हैं ऐसा परफेक्ट सिकने के लिए। इसको इस थाली में निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी पैन के अंदर हम डाल देते हैं ये दूसरा वाला पराठा भी, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से सेकते हैं। और ये हमारा दूसरा पराठा भी सीख के बिल्कुल तैयार है, इसको भी यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा बटर रखते हैं ऊपर। ये देखें हमारा लाजवाब एकदम से लेयरदार पराठा, तो आप ये ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं। ये बहुत गर्म है, टच भी नहीं हो रहा है। जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस इजी से पराठे को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ज़रूर बनाइए, आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा और खाने वालों को खाकर मज़ा आ जाएगा। ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।